हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज का ये वीडियो वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है उन सभी स्टूडेंटों के लिए जो इस बार 2023 का एग्ज़ाम देने वाले हैं। 2023 का जो भी स्टूडेंट एग्ज़ाम देने वाले हैं उन सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हम देखने वाले हैं क्लास 12th फिजिक्स का तीसरा मॉडल पेपर। इससे पहले हमने दो मॉडल पेपर करा दिए हैं, यदि आपने नहीं देखा तो आप हमारे चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। और नोट्स के लिए आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करके मांग सकते हैं तीनों फिजिक्स का और तीनों केमिस्ट्री का मॉडल पेपर का। तो चलिए दोस्तों, अब हम देख लेते हैं तीसरा मॉडल पेपर। तो सबसे पहले आता है आपका बहुविकल्पीय प्रश्न। ये 6 क्वेश्चन आते हैं बहुविकल्पीय क्वेश्चन, एक एक नंबर का, यहाँ से 6 नंबर आपको मिलेंगे। तो सबसे पहला आपका क्वेश्चन क्या आता है यहाँ पर, यदि आप देखें तो देखिए इन सभी को हमने अच्छे से पढ़ा दिया है, इसलिए ये मैं ज़्यादा इस पर डिस्कस नहीं करूंगा। तो सबसे पहला आपका आता है बहुविकल्पीय क्वेश्चन। तो यहां पे लिखा गया है किसी द्रव्यमान कण के संबद्ध डी ब्रोगली तरंग की तरंग दैर्ध्य निर्भर करता है। अब किस पर निर्भर करता है, यहां पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसमें किस पर निर्भर करता है, आवेश पर निर्भर करता है। मैं इस पर ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि मैंने पहले ही बहुविकल्पीय क्वेश्चन आपको पढ़ा दिया है। अगला आता है दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो है कि फोटोन की गतिज द्रव्यमान की ऊर्जा है। अब फोटोन की गतिज द्रव्यमान की ऊर्जा क्या है भैया, एच म्यू बाई सी स्क्वायर। तो ये आपका ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। अगला आता है आपका तीसरा क्वेश्चन, यहाँ पे लिखा गया है कि जो क्या होता है लेमडा तरंग दैर्ध्य होता है, इसकी फोटोन की ऊर्जा है। तो भैया कौन है जो फोटोन की ऊर्जा है, तो क्या हो जाएगा, एच सी बाई लेमडा हो जाएगा। ये आपकी क्या है, फोटोन की ऊर्जा होती है, तो इसको आपको याद रखना है। ये देखिए प्रोटॉन नहीं लिखा है, फोटोन लिखा गया है, तो आपको इसको ध्यान देना है। बहुत से स्टूडेंट फोटोन जान लेंगे। तो यहाँ पर लिखा गया है कि जो हाइड्रोजन परमाणुओं के आयनन ऊर्जा का मान होता है। अब हाइड्रोजन परमाणुओं के आयनन ऊर्जा का मान कितना होता है, 30.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या -30.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 30.6 जूल या 0। तो आपको पता होगा कि क्या होता है, 30.6 जूल आपका क्या हो जाएगा, आयनन ऊर्जा का मान हो जाएगा। अगला आता है आपका जो ग क्वेश्चन है, अंग क्वेश्चन है कि एक एएमयू का तुल्य ऊर्जा है। इसका मतलब क्या हो, एएमयू का मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट। तो इसका कहा गया कि तुल्य ऊर्जा क्या है, तो यहाँ पे 190 क्या लिखा गया है, मेगा किलोवाट लिखा गया है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऐसे ही आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसमें आपको याद रखना है कि जो क्या हो जाएगा, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपका हो जाएगा, तो इसको आपको याद रखना है। अगला आता है आपका जो चौक क्वेश्चन, यहाँ पे अगर आपको दिखाई दे रहा होगा तो चौक क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा दिखाई दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पे चौक क्वेश्चन कहा जा रहा है कि पीएन संधि डायोड का अवक्षेप परत क्या में होता है। मतलब यहाँ पे कहा गया कि पीएन जो संधि डायोड है उसमें अवक्षेप परत में होता है। अब क्या होता है, केवल इलेक्ट्रॉन होता है या केवल कोटर होता है, या केवल इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन और कोटर दोनों होते हैं, या न तो इलेक्ट्रॉन उसमें होते हैं ना ही कोटर। तो याद रखें भैया ये जो चौथा आपका ऑप्शन है कि न तो इलेक्ट्रॉन न ही कोटर, ये आपका सही हो जाएगा, चौथा जो ऑप्शन है। ठीक है, तो इसी प्रकार ये सभी पे हमने ज़्यादा डिस्कस नहीं किया। मैं चाहता था कि बहुविकल्पीय क्वेश्चन बहुत ही जल्दी आपको पढ़ा दिया जाए, ठीक है, इसलिए मैंने पहले ही सभी चैप्टरों का बहुविकल्पीय क्वेश्चन आपको पढ़ा दिया गया है। तो आशा करते हैं कि आप सभी चैप्टरों के बहुविकल्पीय क्वेश्चन पढ़े होंगे। अब आते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पर। तो दूसरा क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे, तो सबसे पहला यहाँ पे एक एक नंबर के 6 क्वेश्चन आते हैं। ये आपसे दो दो नंबर में भी पूछे जाते हैं, एक एक नंबर में भी, परंतु मैंने यहाँ पे एक नंबर में आपको लिया गया है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि कला संबंध स्रोत से आप क्या समझते हैं। सबसे पहला आपका क्वेश्चन है कि कला संबद्ध स्रोत से आप क्या समझते हैं, इसका आपको परिभाषा लिखना है। दूसरा आता है कि प्रकाश वैद्युत कार्यफलन का क्या तात्पर्य है। मतलब यहाँ पे सिंपल में कहा गया कि कार्यफलन क्या होता है, कार्यफलन का परिभाषा आपको बताना है। अगला आता है आपका तीसरा क्वेश्चन, जो है कि देहली आवृत्ति से आप क्या समझते हैं, इसको आपको बताना है। अगला आता है कि अर्धचालक क्या होता है, इसका उदाहरण सहित बताना है। तो याद रखेंगे अर्धचालक, चालक और जो क्या होते हैं, कुचालक होते हैं, इन सभी आप तीनों टॉपिक को आप तैयार करिएगा, क्योंकि कभी कभी जो लॉन्ग क्वेश्चन में आपसे 3 नंबर में भी ये पूछे जाते हैं और 5 नंबर में भी आगे आपको क्वेश्चन मिलेगा, तो आप देख भी सकते हैं। तो इसलिए तीनों, चालक और
चालक और अर्धचालक तीनों आपको तैयार करके ही जाना है। अगला आता है जो क्या है अंगक क्वेश्चन है आपका कि फोटोडायोड क्या है। अब फोटोडायोड क्या होता है इसका परिभाषा आपको बताना है। और प्रकाश का विवर्तन मतलब विवर्तन क्या होता है इसका क्या तात्पर्य है, ठीक है, ये भी आपको डिस्कस करना है पूरा डिटेल में। अगला आता है यहाँ से आपको अगर 6 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो 6 नंबर आपको मिल जाएंगे। और कभी कभी ये 2-2 नंबर में पूछे जाते हैं तो इसलिए मैं कहूँगा जो भी पढ़िएगा डिटेल में अच्छे से पढ़िएगा। आप तो जानते हैं हमसे पढ़ने के लिए आप क्या लिखेंगे, केवल यूट्यूब पर मान लेते हैं कि कला संबद्ध स्रोत आपको नहीं पता है तो YouTube पे लिखिए कला संबद्ध स्रोत ब्रदर सर, आपको तुरंत वो वीडियो मिलेगा, वहाँ से उसकी पढ़ाई कर सकते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। अदरवाइज आते हैं तीसरे अपने क्वेश्चन पे। तो तीसरा क्वेश्चन है कि व्यतिकरण अभिवर्तन में अंतर, किसमें व्यतिकरण अभिवर्तन में क्या अंतर होता है, इन दोनों में क्या विभेद होता है या क्या डिफरेंट होता है वो आपको बताना है। दूसरा आते हैं कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव के संबंध में निरोधी विभव का परिभाषा दीजिए, मतलब यहाँ पे सिंपल वे में कहा गया कि निरोधी विभव का परिभाषा आपको बताना है। तो आशा करते हैं कि आपको ये सभी कुछ याद होगा। अगला आते हैं अपना ग क्वेश्चन, यहाँ पे कहा गया कि द्रव्यमान क्षतिज, द्रव्यमान क्षति का क्या तात्पर्य होता है इसको आपको बताना है, इसका परिभाषा। अगला आता है जो घड़ी का क्वेश्चन है, ये सभी आपसे 2-2 नंबर में और 3-3 नंबर में भी पूछे गए हैं इसलिए आपको इसको याद करके ही जाना है। अगला आता है कि ऊर्जा बैंड के आधार पर चालक अचालक और अर्धचालक में अंतर स्पष्ट कीजिए। अब बताइए अभी हमने बताया था कि अर्धचालक क्या होते हैं ये आपको बताना है, तो देखिए यहाँ पे इसका अंतर पूछ लिया गया। तो जब आप चालक अचालक और अर्धचालक में आप जानते होंगे कि क्या होते हैं तभी तो अंतर बता पाएंगे ना, तो पूरा डिटेल में आपको इसको याद करना है। अगला आता है जो अंगा आपका क्वेश्चन है कि व्यतिकरण से आप क्या समझते हैं। अब व्यतिकरण किसे कहते हैं ये आपको बताना है। उसके बाद व्यतिकरण की आवश्यक शर्तें क्या हैं, मतलब व्यतिकरण क्या होता है इसकी किस बातों पर निर्भर करता है ये आपको बताना है। आवश्यक शर्तें मतलब व्यतिकरण किस बातों पर निर्भर करता है, इसके प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं वो आपको डिटेल में बताना है। ये हमने टॉपिक पढ़ाया हुआ है तो वहाँ पर पढ़ेंगे तो आपको पूरा डिटेल में आपको सभी टॉपिक को पढ़ा दिया गया है। अगला आता है कि तरंगाग्र किसे कहते हैं, तरंगाग्र किसे कहते हैं ये आपको बताना है कि इसका परिभाषा। और इसी में एक और क्वेश्चन आपसे जुड़ गया है कि हाइगेंस के द्वितीय तरंगिका का सिद्धांत, ये दो अलग अलग क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं, कभी कभी एक में ही आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इसको आपको याद रखना है। अगला आता है जो दूसरा क्वेश्चन है ये याद रखेंगे, 3-3 नंबर के क्वेश्चन है, 5-5 नंबर में भी पूछे जाते हैं, ठीक है। प्रकाश मतलब प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन क्या है, अब प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन या प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहें दोनों बात एक ही है इसलिए आपको तैयार करके ही जाना है। अब मैंने जब सभी चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया था तो उसमें हमने बताया था कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहें या प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन कहें दोनों का मतलब वही होता है। तो यहां पे कहा गया प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन क्या होता है और प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के नियम क्या है, नियम मोस्ट इंपॉर्टेंट है तो इनके नियम को आपको याद रखना है। प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन कहें, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन का नियम कहें या प्रकाश वैद्युत का वैद्युत प्रभाव का नियम क्या है, दोनों बात एक ही है। तो अगला आता है आपका जो गवा क्वेश्चन है कि द्रव्य तरंग क्या होते हैं, द्रव्य तरंगों की तरंग दैर्ध्य का सूत्र लिखिए। अब द्रव्य तरंग कहे या लुई डी ब्रोगली तरंग कहे दोनों बात एक ही है, द्रव्य तरंग कहे या लुई डी ब्रोगली तरंग कहे, क्या कहे, लुई डी ब्रोगली तरंग। याद रखेंगे इसको आपको तीन तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, पहला द्रव्य तरंग कह सकता है, दूसरा लुई डी ब्रोगली तरंग कह सकता है या केवल कह सकता है आपसे डी ब्रोगली तरंग क्या है। तो इसको आपको पता होगा इसको तीन तरीके से आप पूछे जाते हैं यदि आपने पहले हमसे सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर वाइज पढ़ा होगा तो। अगला आता है जो आपका घड़ी का क्वेश्चन है कि ऊर्जा बैंड के आधार पर चालक अचालक और अर्धचालक में अंतर स्पष्ट कीजिए, ये दोबारा आपसे क्वेश्चन आपको बता दिया गया है
क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आपको तैयार करके ही जाना है। अगला आता है कि एलईडी क्या होता है, एलईडी का आपको परिभाषा देना है, उसके बाद इसका सिद्धांत को समझाना है, उसके बाद एलईडी का जो क्या होता है, प्रयोगों में किए गए अर्धचालकों के नाम, मतलब एलईडी में कौन से अर्धचालकों का प्रयोग किया जाता है उनका नाम भी आपको बताना है। तो आशा करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा कि एलईडी का परिभाषा दीजिए, इसका सिद्धांत लिखना है, एलईडी में किस अर्धचालक का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, उसको आपको बताना है। अब मैंने तो बहुत ही पहले इसको बताया था कि जर्मेनियम, ठीक है, जितने भी जो क्या होते हैं उपधातु, उनका प्रयोग किया जाता है, तो आप उसको डिटेल में पढ़ेंगे तो अब आपको समझ में आएगा। अगला आता है, ये पांच मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कह सकते हैं, तो इनको आपको एकदम तैयार करके ही जाना है। पहला है गॉस के प्रमेय का तीनों अनुप्रयोग। अब गॉस के प्रमेय का तीनों अनुप्रयोग अलग अलग तरीके से पूछा गया है। एक अनुप्रयोग है, एक क्या है, एक मतलब क्या होता है, अनंत लंबाई वाले चालक तार पर पूछा गया है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये पहला अनुप्रयोग है। दूसरा है कि एक आयताकार चादर है, उस पर क्या कहा गया है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना। और तीसरा एक गोलाकार चालक है, उस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना है। तो ये तीन प्रकार के गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग है। मैंने एक ही वीडियो में ये पूरा डिस्कस किया है गॉस के प्रमेय का, तो मैं यही कहूंगा कि गॉस के प्रमेय का तीनों अनुप्रयोग आप जाकर आप वीडियो से पढ़ सकते हैं। केवल आपको लिखना है यूट्यूब पर गॉस का प्रमेय, गॉस का प्रमेय का अनुप्रयोग, गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग ब्रदर सर, तो आपको वीडियो मिल जाएगा, वहां से तीनों अनुप्रयोग को पढ़ सकते हैं। अब मैं विश्वास दिलाता हूं कि वीडियो में आपको याद भी हो जाएगा। दूसरा आता है किरचॉफ का नियम की व्याख्या कीजिए। अब किरचॉफ का नियम क्या होता है, इसकी व्याख्या को करना है। अगला आता है एम्पियर का परिपथीय नियम क्या होता है, ये आप जानते ही हैं। लेंज का नियम क्या होता है, और लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुकूल है या नहीं, ये आपको बताना है। तो ये आपको दिखाई दे रहा होगा, लेंज का नियम क्या है, ये ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुकूल है या नहीं, ये आपको बताना है। तो हम जानते हैं, ठीक है, पूरा डिस्कस किया हुआ है। अगला आता है व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत। व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत, रचना, कार्यविधि का वर्णन आपको करना है। तो इस प्रकार आपसे ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, तो आपको इस सभी को तैयार करके ही जाना है। अगला आता है हमारा छठा क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन संबंधित आइंस्टीन के समीकरण इतना को स्थापित कीजिए। अब ये आइंस्टीन का जो समीकरण है इसको आपको सिद्ध करना है, ठीक है। तो ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया छठा। या तो आप ये कीजिए, या आप दूसरा कह सकते हैं कि अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के आधार पर रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल को आपको बताना है, और इसकी कमियाँ मतलब इसकी सीमाएँ भी आपको बताना है। तो इन दोनों में से आप दोनों तैयार कर लीजिएगा। मैं तो यही कहूंगा दोनों में से एक ही कोई लिखना है, परंतु आप दोनों तैयार कीजिए, क्योंकि एग्जाम में तो आप बैठे नहीं है कि एक को छोड़ना है, और कौन आ जाए कौन जानता है भैया। तो दोनों में से आपको दोनों तैयार करना है। सॉरी। अगला आता है आपका सातवां क्वेश्चन कि बोर मॉडल के आधार पर, देखिए ध्यान दीजिएगा, बोर मॉडल के आधार पर क्या हाइड्रोजन परमाणु की ऊर्जा स्तर आरेख खींचकर और स्पेक्ट्रम रेखाओं के लाइमर, बामर एवं पश्चिम श्रेणियों से उत्पत्ति समझाइए। मतलब सिंपल में कहा गया कि बोर मॉडल का मॉडल दिया गया उसका हाइड्रोजन परमाणु की ऊर्जा स्तर पर आपको पूरा डिटेल में उसको बताना है। मतलब बोर का परमाणु मॉडल क्या होता है उसके बारे में पूरा डिस्कस करना है आपको, ठीक है। या तो आप ये कर दीजिए, या समस्थानिक क्या होते हैं और संभारिक क्या होते हैं, इनका अर्थ आपको बताना है, मतलब इनका परिभाषा बता दीजिएगा, इनका जो क्या होते हैं मीनिंग होता है वो आपको बताना है, और दो दो उदाहरण आपको दे देना है। अगला आता है जो आठवां आपका क्वेश्चन है, पीएन संधि डायोड क्या होता है, ठीक है, जो क्या होता है पीएन संधि डायोडों के लिए। अगर यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये तीन आपके क्वेश्चन अभी आपको मैं दिखाऊंगा। सबसे पहला आता है कि पीएन संधि डायोड के लिए अर्घ दिशक तथा पश्च दिशक अवस्था में परिपथ आरेख खींचिए, तथा दो अवस्थाओं हेतु परिरक्षण क्या होता है अभिलक्षण वक्र की समझाइए। मतलब या तो आप इसको तैयार कर लीजिए, या पीएन संधि पर ही एक और क्वेश्चन है आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे अथवा में दिया गया है कि पीएन डायोड के प्रयोगों करते हुए पूर्ण तरंग दिश कार्य परिपथ का चित्र बनाइए तथा कार्यविधि समझाइए। तो ये आप तैयार कर लीजिए, ये दोनों में से कोई आपको तैयार कर लेना है, ठीक है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके पांच नंबर मिलेंगे, तो आपको तो तैयार करना ही पड़ेगा, ठीक है। अगला आता है
आपका जो जो 90 मतलब क्या है अंतिम आपका क्वेश्चन है, ठीक है। 9th क्वेश्चन जो है पीएन संधि, ये भी पीएन संधि पे है। पीएन संधि के लिए रूसी अस्तर तथा रोधिका विभव की व्याख्या कीजिए तथा पीएन संधि डायोड अर्ध तरंगे दृष्टकारी के रूप में कैसी प्रयुक्त होती हैं ये आपको बताना है, ठीक है। पीएन संधि डायोड के अर्ध तरंग के, या तो आप ये कर लीजिए या आप जानते हैं कि ट्रांसफार्मर जो होता है उसकी रचना कार्यविधि का वर्णन करना है, आप जो क्या होता है पटलिट क्रूड होता है उसका महत्व आपको बताना है। तो ये सभी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, आशा करते हैं कि इन सभी को आपको तैयार करके ही जाएंगे। अब मैं अंत में कुछ आपको जो अगर आप अभी तक बने हुए हैं तो आपको मैं बता दूं, देखिए 3 मॉडल पेपर हमने इससे पहले करा दिया है, तो सबसे पहले मॉडल पेपर में हमने लगभग 5 चैप्टर को कराया है। पहला मॉडल जो आप देखेंगे मॉडल पेपर, उसमें 5 चैप्टर से ही केवल क्वेश्चन आपको बताए गए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके प्रश्न में पूछे जाएंगे। दूसरा मॉडल पेपर में फिर से 5 जो क्या होता है चैप्टर, मतलब यहाँ से 1 से लेकर 5 तक इसमें पढ़ाया गया है, इसमें 6 से लेकर आपको 10 इसमें दूसरे मॉडल पेपर में क्वेश्चन को बताए गए हैं 6 से लेकर 10 तक, और तीसरे मॉडल पेपर में आपको 11 से 14 तक के बीच में बताया गया है। मॉडल पेपर में जो आप इसमें देखे हैं तो 11 से 14 जो चैप्टर है उनके बीच में ही बताया गया है। कुछ हैं जो प्रश्न जो इंपॉर्टेंट थे जो हमने यहाँ पे दिखाया है आपको, गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग, ये सब इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने यहाँ पे दोबारा से आपको बताया है। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। इसी प्रकार रसायन विज्ञान में भी आपको बताया गया है, तो आशा करते हैं कि आपको तीनों मॉडल पेपर तैयार करके ही जाना है। अदरवाइज यदि आपको इसका नोट्स चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करके मांग सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर तो आप जानते ही हैं 8874067659। और यदि हमसे बात करना है आपको, ठीक है, तो आप ब्रदर सर 30 हमारा इंस्टाग्राम आईडी है, उस पर मैसेज करके हमसे बात कर सकते हैं। अदरवाइज नोट्स के लिए आप इस नंबर पे मैसेज करके आप उनसे मांग सकते हैं, वो आपको नोट्स प्रोवाइड करा देंगे। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।